शिमला में स्कूलों के बाहर बेवजह गाड़ियों को पार्क नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा पुलिसकर्मी अब सुबह 7 बजे से ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे। शिमला पुलिस के ASP सुनील नेकी का कहना है कि अभिभावक गाड़ियों में बच्चों को छोड़ने और ले जाने के लिए आ सकते हैं, लेकिन बेतरतीब ढंग से गाड़ियों को पार्क नहीं कर सकते हैं, इससे पूरा शहर जाम हो जाता है। पुलिस ने ट्रैफिक सिस्टम को देखते हुए कड़े निर्णय लिए हैं, सभी को सहयोग करना होगा। शहर में सुबह के समय कई जगह ट्रैफिक जाम लगा रहता है। विक्टी टनल, ओल्ड बस स्टैंड के साथ साथ लकड़ बाजार की ओर भी ट्रैफिक जाम होता है। छोटा शिमला में पेट्रोल पंप से लेकर आगे नोलजवुड तक गाड़ियों की लाइनें लगती है। छोटा शिमला में ट्रैफिक जाम की 1 बजे कसुमटी की ओर से आने वाले वाहन हैं। कसुमटी की ओर से आने वाले वाहनों के लिए मेन रोड का ट्रैफिक रोकना पड़ रहा है। शिमला में बड़ी संख्या में सैलानी गाड़ियों से ही आ जा रहे हैं, ऐसे में इस कारण भी शहर में ट्रैफिक जाम लग रहा है। विक्टी टनल, छोटा शिमला, संजौली, ढली में गाड़ियों की लाइनें लग रही हैं। कुफरी और इसके आसपास गाड़ियों की लाइनें लग रही हैं। हाँ, ये जैसे विद्यालय सभी जो है, जो अवकाश रहा है विंटर वेकेशन के बाद जो है आज से खुल गई है। कुछ स्कूल्स पहले भी खुल गई है और आज से कुछ ज्यादातर स्कूल जो है खुल रही है शिमला में। तो इसके लिए एक तो हमारे पास जो ट्रैफिक व्यवस्था है, जो सामान्य ट्रैफिक व्यवस्था है, उसके अंतर्गत जो है हमारे DSP ट्रैफिक साहब के अंतर्गत जो है पूरा ट्रैफिक विंग जो है हमारा वो बिल्कुल दुरुस्त काम कर रहा है। और जहां पे इसके अतिरिक्त हमने जो जितने जहां जहां भी जो आपके विद्यालय हैं, स्कूल्स हैं, और वहां पर हमने जो है अपने थानों को, जो संबंधित थाने हैं वहां पर भी, वहां से हम लोग अतिरिक्त जो पुलिसकर्मी है वो भी लगा रहे हैं। जैसे जैसे इसमें जो है गतिविधियां बढ़ेगी, स्टूडेंट्स का जो है जहाँ मूवमेंट बढ़ेगा, जब जो सुबह का समय होता है, जैसे कि सुबह जब स्कूल टाइमिंग होता है और जो शाम को जो है छुट्टी होने का समय होता है, उस समय ज्यादा रश रहता है, तो बहुत सारे वाहन जो है स्कूल के पास आते हैं बच्चों को लेने के लिए, और बसेस का भी जो उसमें हम लोग देख रहे हैं, उसमें अतिरिक्त जो पुलिसकर्मी है वो लगा रहे हैं। हम ट्रैफिक जो पुलिस है उनका जो समय है उसमें भी थोड़ा बदलाव किया जा रहा है, उसमें अतिरिक्त समय हम लोग जो है उसमें लगा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो है हमने हमारे ट्रैफिक SP साहब की तरफ से, आज SP साहब स्वयं भी जो है पूरी ट्रैफिक व्यवस्था को वो खुद भी देख रहे हैं, सारा व्यवस्था को लेकर के, और सभी जो प्रिंसिपल्स हैं स्कूल्स के और कॉलेजेस के, उनको भी जो है पत्र लिखा गया है कि वो भी जो है अपने जो स्कूल के टाइमिंग्स हैं उसमें जो बसेस का है और जो जैसे वाहनों का जो संचालन है उस पर जो है ध्यान दें उसमें। तो ये सारी चीजें व्यवस्थाएं की जा रही है और हम लोग इस पर अभी विचार भी कर रहे हैं इसमें पूरी ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर। ऑकलैंड टनल के पास भी अभी हमने उसमें जो है एंटी क्लॉकवाइज अभी ट्रैफिक चलाने का हमने फिलहाल ट्रायल अभी 4 दिन का जो है प्रशासन की अनुमति से हमने ये निर्णय लिया है, तो वहाँ पे भी देख रहे हैं कि उसको कैसे सुचारू किया जाए। तो इस तरह से जो है शिमला पुलिस और हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है पूरी तरह से इसमें सजग है और ये इसके बारे में सूचित है, तथा ये बेस्ट जो ऑप्शंस हैं, जो भी जो व्यवस्था हो सकती है उस पर काम कर रही है।